हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरैक्टिव बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, आज की वीडियो में हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने वाले हैं। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स, चलिए तैयार हो जाइए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट सेल। आज की वीडियो में हम सेल के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो भाई, ये जानते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज सेल, देन डिस्कवरी ऑफ सेल, देन टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, देन किन किन ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, देन सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हम जानेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी में क्या क्या कहा गया है, इन सब बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिए, ठीक है। देन हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल क्या होता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सारी ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। अब इन्होंने डिस्कवरी करी कैसे थी? इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व करा था अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर इन्होंने बताया था कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर वो कुछ कंपार्टमेंट लाइक हैं जिन्हें हम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स डिस्कवर करी थी वो किस में करी थी? 1665 में। नाउ लाइफ सेल किसने डिस्कवर करी थी? लाइफ सेल डिस्कवर करी थी एंटोन वॉन लुवेनहुक ने। इन्होंने डिस्कवर करा था बैक्टीरिया इन 1674 एंड स्पर्म सेल्स इन 1678। इन्होंने ये लाइव स्पर्म्स जो हैं वो डिस्कवर करे थे और लाइव बैक्टीरियाज। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आइए जानते हैं क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। जनरली स्मॉलर इन साइज देन द यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक से हमेशा थोड़े छोटे रहते हैं। देन अब हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। लार्जर इन साइज देन द प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक से थोड़े बड़े होते हैं। नाउ कम बैक टू प्रोकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स आर एब्सेंट। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स आर प्रेजेंट। इनमें क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में द क्रोमोसोम इज सिंगुलर। इनमें सिंगुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में द रीजन, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड एंड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। यानी कि जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक्स में। वहीं यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? द न्यूक्लियर रीजन इज वेरी वेल डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनेल कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है? जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनके पास और उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम जानेंगे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइए जानते हैं इनके बारे में। कुछ ऐसे दिखते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल में ही क्या होते हैं? सारे फंक्शंस परफॉर्म कराए जाते हैं, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, सब चीज़ें जो हैं वो इसी सिंगल सेल में होनी है और एक सिंगल सेल ही क्या करेगा? उन सारे फंक्शंस को रेगुलेट करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आप जानेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो हायर लेवल ऑफ ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी सेलुलर यानी कि इनमें क्या होते हैं? वेरियस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक अलग फंक्शन के लिए अलग टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि
डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनमें डाइजेस्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे। देन एक्सक्रीटरी के लिए एक्सक्रीटरी सेल प्रेजेंट होंगे। नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने देखा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यानी कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल पर या एक सेल से मिलकर बने होते हैं। सिर्फ एक सेल होता है जो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए हम इन्हें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इनके पास हर फंक्शन के लिए एक अलग तरीके के सेल्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो मेन तरीके के सेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? इन 1838 अ जर्मन बॉटनिस्ट एम जे शील्डन एंड इन 1839 अ जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान, आफ्टर स्टडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इंडिपेंडेंटली पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी। यानी कि शील्डन एंड स्वान ने हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको अलग अलग पढ़ा और फिर एक थ्योरी दी, जिसको नाम दिया हमने सेल थ्योरी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सेल थ्योरी में क्या क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि इस पॉइंट में ये कहा जाता है कि जो न्यू सेल्स अराइजेस होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो रहा ना आज का सेशन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।